हेलो व्हाट्सअप गाइस, क्या हाल चाल। वेलकम बैक टू आवर चैनल गाइस। आज का जो व्लॉग है काफ़ी स्पेशल व्लॉग होने वाला है, जैसा कि आप सब लोगों ने थंबनेल में देख ही गया होगा। गाइस आज मैं मिलवाऊंगा आपको अपने न्यू फैमिली मेंबर से, जो कि एक छोटा सा क्यूट सा डॉग। और गाइस प्लीज़ वीडियो का ज़रूर लाइक करना। और गाइस जल्दी जल्दी से चलते हैं, मैं डॉग को लेकर आता हूँ। जब तक आप देखिए सिनेमैटिक शॉट्स। फाइनली मीट माई न्यू डॉग शिट्ज़ू। इसको मैं काफ़ी टाइम से लाने की सोच रहा था, क्योंकि ये घर में बहुत आराम से एडजस्ट हो जाती है। और लॉकडाउन में सबसे ज़्यादा जो बूम हुई है ब्रीड, वो यही ब्रीड है, क्योंकि ये घर में आराम से अपार्टमेंट्स में भी रह लेती है। दिल्ली के अंदर बहुत ज़्यादा फेमस हुई है, इस टाइम पर बहुत ज़्यादा ली गई है ब्रीड को, क्योंकि ये घर में आराम से एडजस्ट हो जाती है, घर में आराम से फ्रेश हो जाती है, बाहर ले जाने की कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं पड़ती है। और सबसे अच्छी बात है कि सबसे ज़्यादा फ्रेंडली ब्रीड है और सबसे ज़्यादा एक्टिव है बाकी ब्रीड्स के मुकाबले। तो मैंने सोचा क्यों ना इसको लिया जाए, क्योंकि अब जो मेरी किलर है वो भी 2.5-3 साल की हो गई है, और एज के हिसाब से डॉग थोड़ा एक्टिविटी भी कम कर देता है। और ये थोड़ी शैतान ब्रीड भी लगी, मैंने सोचा क्यों ना इस ब्रीड को लेकर आया जाए और इन दोनों के डेली ब्लॉग्स दिखाऊँ, डेली लाइफ दिखाऊँ कि किस तरह डॉग्स के साथ रहा जाता है। और मैं इसके रिएक्शन भी डालूंगा। अभी मैंने किलर को भी नहीं मिलाया इससे, क्योंकि किलर के थोड़े बहुत स्किन इशू भी चल रहे हैं, जैसा कि आप सबको पता होगा अमेरिकन बुली ब्रीड में है ये, कि गर्मी में स्किन इशूज़ बहुत ज़्यादा हो जाते हैं उनके। और इसके देखिए गाइस बहुत ज़्यादा लॉन्ग हेयर होते हैं। ये बेसिकली एक टॉय ब्रीड है शिट्ज़ू। और अभी इसके आइज़ के पास से भी थोड़े थोड़े हेयर काटने हैं मेरे को, और इसके ग्रूमिंग टिप्स भी थोड़े मैं आपको बताऊँगा आगे वीडियोज़ में, क्योंकि इसकी ग्रूमिंग मेन है। और इसको मैंने इसको नहलाया भी नहीं है, तो वो भी मैं आपके साथ वीडियो शेयर करूँगा। और गाइस इसके अंदर काफ़ी सारे कलर आते हैं, बेसिकली ट्राई कलर बहुत ज़्यादा फेमस कलर है, लेकिन वो मुझे पसंद नहीं आया। मैंने सोचा क्यों ना एक यूनिक कलर दिया जाए। और इसका जो हेड है देखिए, वो एक लोयन हेड की तरह लगता है, ब्लैक ब्लैक इसके कान है और ब्लैक ब्लैक आईज है, थोड़ी थोड़ी ब्राउन कलर के शेड में, तो मेरे को ज़्यादा अच्छी लगी। और किलर के साथ इसका काफ़ी अच्छा कॉम्बिनेशन बनेगा ये। तो गाइस बात करें इसके नेम की, वो भी मैंने सेलेक्ट नहीं किया है। अभी जो मेरे पापा ने मेरे को नेम बताया था इसका रखने के लिए, अभी तक मैंने वो भी बोलते हैं इसी नाम से इसको बोलते हैं, वो मेरे को बताया था कोको, क्योंकि वो नेम सेलेक्ट करने में काफ़ी अच्छे हैं। उन्होंने हीरा का नाम भी मेरे को सजेस्ट करा था, क्योंकि वो एक यूनिक था, मैंने उसको दिल्ली में ट्रेन किया और वो थोड़ा यूनिक सबसे अलग ही था, वो आप सब लोग देखते भी हैं, तो इसलिए सोचा कि उसका नाम हीरा रखा जाए। और काफ़ी अच्छा नेम लगा मेरे को उसका नाम हीरा। और बाकी मैंने इसका नाम अभी कोको के नाम से इसको बुलाते हैं। अगर आपको भी कोई नेम अच्छा सा लगता है मेरे इस डॉग के लिए, तो प्लीज़ मेरे को कमेंट सेक्शन में बताना, और मैं उसका नेम भी ज़रूर लूँगा पर्सन का जो मेरे को नेम बताएगा बढ़िया नेम अपने सब्सक्राइबर का। और गाइस कैसी लगी मेरी टॉय ब्रीड, आपको छोटी सी ब्रीड, तो मेरे को कमेंट सेक्शन में बताना ना भूलें। और गाइस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, जब तक के लिए स्टे ट्यून्ड विद द चैनल एंड कीप सपोर्टिंग। Nothing can stop me, I'm all the way up.